हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक टॉपिक के साथ आए हैं और टॉपिक हमारा है टीथ। टीथ क्या होता है, ठीक है। यानी आज हम दांत के बारे में अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि दांत क्या होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का क्या काम है, ठीक है। इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे, 100% NCERT कवर करेंगे और नीट के साथ साथ जो भी वन डे एग्जाम होता है वो भी आपसे कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीथ यानी दांत। दांत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। जो स्टडी ऑफ टीथ होता है उसको हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। फिर कह रहे टीथ, दांत जो होते हैं दो प्रकार के हैं, सम दंत और विषम दंत। यानी जो जंतु होते हैं, कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, उनके अंदर जो दांत होते हैं वो दो प्रकार के हैं, सम दंत और विषम दंत हैं। तो सम दंत का मतलब है सभी दांत समान प्रकार के होते हैं, यानी जितने भी दांत होते हैं सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं। तो ऐसे दांतों को हम बोलते हैं सम दंत, यानी होमोडांट टिथ बोलते हैं, ठीक है। अब आता है विषम दंत, यानी समान प्रकार के दांत नहीं होते हैं। तो होमोडांट टिथ में जितने भी दांत होते हैं ना, वे सभी समान प्रकार के नहीं होते हैं, बल्कि असमान प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो सम दंत जो है किन किन जंतुओं के अंदर पाया जाता है, तो मछली हो गया, उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया। मछली, उभयचर और सरीसृप, ठीक है। मछली, उभयचर और सरीसृप, इन जंतुओं के अंदर जो दांत होते हैं एक ही प्रकार के दांत होते हैं, यानी इनको सम दंत कहते हैं। यानी जो मछली, उभयचर, सरीसृप होते हैं, इनमें जितने भी दांत होते हैं ना, सभी दांत सेम प्रकार के होते हैं, यानी ये जंतु कैसे हैं, सम दंत जंतु हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि विषम दंत जंतु कौन कौन से हैं, यानी ऐसे जंतु जिनमें विषम प्रकार के दांत पाए जाते हैं, समान प्रकार के दांत नहीं होते हैं, यानी दांत असमान प्रकार के होते हैं। तो पक्षी और स्तनधारी, स्तनधारी जितने होते हैं ना, सभी स्तनधारियों के अंदर जो है दांत असमान प्रकार के होते हैं। तो यहाँ स्पेशली हम मनुष्य के बारे में चर्चा करेंगे, यानी ह्यूमन टीथ के बारे में सीखेंगे कि ह्यूमन टीथ कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। मनुष्य में जो टीथ होते हैं ना, वह हिट्रोडांट टीथ होते हैं, ठीक है। जो मनुष्य में टीथ होते हैं, मनुष्य में जो टीथ होते हैं वो कैसे टीथ होते हैं, हिट्रोडांट टीथ होते हैं, यानी विषम दंत होते हैं। विषम दंत जो होते हैं दो प्रकार का होता है, कौन, एक डाइफायोडांट होता है, दूसरा मोनोफायोडांट होता है। डाइफायोडांट और मोनोफायोडांट, डाइफायोडांट जो होते हैं द्विबार दंती इसे कहते हैं, यानी दूध के दांत, ठीक है। जो दांत बच्चों में जो दांत दूध के दांत होते हैं ना, वे डाइफायोडांट होते हैं, यानी दूध के दांत को हम डाइफायोडांट कहते हैं। द्विबार दंती, ऐसे दांत जो संपूर्ण जीवन काल में दो बार निकले, ऐसे दांत जो संपूर्ण जीवन काल में दो बार निकलता है, तो ऐसे दांत को द्विबार दंती कहते हैं। द्विबार दंती दांत जो होते हैं दूध के दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। दूध के दांत बोले तो मिल्क टीथ कहते हैं। दूध के दांत मतलब क्या होता है, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो होता है, जो मिल्क टीथ होता है ना, वह क्या होता है, दूध के दांत होते हैं, और दूध के दांत जो होते हैं अस्थायी दांत होते हैं। मोनोफायडांट जिसको हम बोलते हैं एक बार दंती, ये अस्थायी दांत होते हैं, यानी एक बार निकलते हैं तो दोबारा टूटते नहीं हैं। तो हम दोनों में अंतर समझ लेते हैं, ठीक है, कि जो डाइफायडांट टीथ होते हैं दो बार निकलते हैं, मोनोफायडांट टीथ होते हैं एक बार निकलते हैं। डाइफायडांट टीथ होते हैं अस्थायी दांत होते हैं, जबकि मोनोफायडांट जो होते हैं अस्थायी दांत होते हैं। डाइफायडांट टीथ होते हैं वही मिल्क टीथ होते हैं, यानी दूध के दांत होते हैं। तो आइए समझते हैं कि डाइफायडांट और मोनोफायडांट टीथ में क्या अंतर है, कैसे इनको हम लोग समझेंगे। देखिए, एक तरफ हम लिख देते हैं डाई हायो डांट, दूसरे तरफ लिख देते हैं मोनो फायो डांट, ठीक है। डाई फायो डांट और मोनो फायो डांट, ठीक है।
डाइफाइडान टिथ का मतलब ऐसे दांतु जो दो बार निकलते हैं। मोनोफाइडान टिथ का मतलब है ऐसे दांतु जो एक बार निकलते हैं। डाइफाइडान टिथ दो बार निकलते हैं और मोनोफाइडान टिथ एक बार निकलते हैं। तो हम देखते हैं जो डाइफाइडान टिथ होते हैं इनकी जो संख्या होती है, यह संख्या में ना संख्या में कितने होते हैं, तो संख्या में ये 20 होते हैं। डाइफाइडान टिथ जो होते हैं संख्या में 20 होते हैं, जबकि मोनोफाइडान टिथ होते हैं संख्या में 12 होते हैं। डाइफाइडान टिथ संख्या में 20 होते हैं जबकि मोनोफाइडान टिथ जो होते हैं संख्या में 12 होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे दांत हैं जो डाइफाइडान टिथ होते हैं, ठीक है, डाइफाइडान टिथ कौन कौन से होते हैं, इसको समझने से पहले, ठीक है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और कि हिट्रोडान टिथ कौन कौन से होते हैं, ठीक, इसको यहीं पर आने दो, फिर हम समझते हैं कि हिट्रोडान टिथ कितने प्रकार के होते हैं। जो हिट्रोडान टिथ होते हैं, ठीक है, हिट्रोडान टिथ जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। हिट्रोडान टिथ कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो इंसीजर होते हैं, इंसीजर होता है, दूसरा क्या होता है, कैनाइन होता है, तीसरा क्या होता है, ट्री मोलर होता है, और चौथा क्या होता है, मोलर होता है, ठीक है। तो जो हिट्रोडान टिथ होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। तो इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंसीजर को बोलते हैं कृंतक, इसको क्या बोलते हैं, कृंतक, कृंतक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रदनक, इसको बोलते हैं रदनक, इसको मोलर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉरी प्रीमोलर क्या बोलते हैं, अग्र चर्व रक, और इसको क्या बोलते हैं, चर्व रक, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हिट्रोडान टिथ होते हैं, जो विषम दंती टिथ होते हैं, वह चार प्रकार के होते हैं, कौन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर जो होता है ना, जो इंसीजर होता है इसे हम लोग आई से दिखाते हैं, ठीक है, कैनाइन को हम लोग सी से दिखाते हैं, प्रीमोलर को हम लोग पीएम से दिखाते हैं, और मोलर को हम लोग यम से दिखाते हैं। तो इंसीजर को हम लोग किसे दिखाएं, इंसीजर को हम लोग आई से दिखाएं, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से, और मोलर को यम से। यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर चार प्रकार के दांत मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक और सोडक और चरवणक में से ऐसे कौन से दांत हैं जो डाइफाइडान टिथ, जो जिंदगी में दो बार निकलते हैं, और इन्हीं में से कौन से ऐसे दांत हैं जो जिंदगी में एक बार निकलते हैं, ठीक है। तो इसको, ठीक है, यह अगर आपको समझ में आ गया होगा या पहले से आता होगा तो यह बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इंसीजर होता है, इंसीजर जो होता है, ठीक है, यानी कृंतक, इंसीजर जो होता है डाइफाइडान टिथ होता है, कैनाइन जो होता है डाइफाइडान टिथ होता है, ठीक है। इसके बाद से प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर जो होता है, सॉरी मोलर जो होता है, मोलर यानी मोलर जो होता है यह भी डाइफाइडान टिथ होता है, इसको लिखता हूँ मोलर, ठीक है, मोलर जो होता है डाइफाइडान टिथ होता है। इंसीजर कितना होता है, इंसीजर संख्या में 8 होता है, कैनाइन संख्या में कितना होता है, 4 होता है, और मोलर दो प्रकार के होते हैं, मोलर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट मोलर, ठीक है, एक होता है फर्स्ट मोलर दूसरा होता है सेकेंड मोलर, फर्स्ट मोलर और सेकेंड छोटा सा लिख देता हूँ मोलर, ठीक है, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर, है ना। मोलर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, तो फर्स्ट मोलर संख्या में 4 होता है, सेकेंड मोलर की संख्या में 4 होता है। तो 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ा,
ठीक है, यानी इंसीजर कितना होता है, 8, कैनाइन होता है 4, 8 4 12। मोलर में दो प्रकार के मोलर होते हैं, ठीक है, उसे तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन डाइफाइब्रांट टीथ में दो प्रकार के मोलर पाए जाते हैं, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर। तो फर्स्ट मोलर 4 होता है, सेकेंड मोलर 4 होता है, तो 4 4 8, 8 4 12, 12 8 20। तो इस तरह से जो दांत होते हैं, डाइफाइब्रांट टीथ होते हैं, यानी द्विबार दंती होते हैं, वे संख्या में 20 होते हैं। अब देखते हैं मोनोफाइब्रांट के बारे में, कि मोनोफाइब्रांट टीथ में इनमें से इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर में से कौन कौन से टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रीमोलर पाया जाता है और थर्ड मोलर पाया जाता है, ठीक है। प्रीमोलर संख्या में कितने होते हैं, प्रीमोलर जो संख्या में होते हैं 8, और थर्ड मोलर संख्या कितने होते हैं 4। तो जब दोनों को हमने जोड़ा तो कितना मिला, 12। तो हमको टोटल कितना मिल गया, 12 मिल गया। इसका मतलब है कि किसी मनुष्य के अंदर, ध्यान से सुनिए, किसी मनुष्य के अंदर जो होता है डाइफाइब्रांट मोनोफाइब्रांट टीथ पाए जाते हैं, ठीक। जब बच्चा छोटा होता है, यानी उसके जब दूध के दांत होते हैं, ये सभी दांत इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर, ये सब मोलर तो ही है, ठीक है ना, ये क्या है, ये मोलर तो है, लेकिन मोलर में दो प्रकार का मोलर है, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर। तो फर्स्ट मोलर 4 होता है, सेकेंड मोलर 4 होता है, यानी मोलर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और 8 4 12 12 8 20। तो जो डाइफाइब्रांट टीथ होते हैं, जो द्विबार दंती होते हैं, वे संख्या में 20 होते हैं, और इस तरह से बच्चों में पाए जाते हैं। यानी प्री मोलर जो होता है, ठीक है, प्री मोलर जो होता है वह बच्चों में नहीं पाया जाता है, यानी इसको बोलेंगे अग्र चर्वणक, अग्र चर्वणक बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता है। एक तो सवाल यह बना, अग्र चर्वणक यानी बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में अग्र चर्वणक नहीं पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि थर्ड मोलर, ठीक है, थर्ड मोलर जो है कि ये भी बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। थर्ड मोलर का मतलब होता है कि जो तृतीय चर्वणक है वो भी बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता है। तो अब हम फिर देखते हैं कि जो प्री मोलर है, प्री मोलर संख्या में 8 होता है, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद जो होता है कि बच्चों के अंदर प्री मोलर जो होता है कि एराइज हो जाता है, और मोलर जो होता है थर्ड मोलर एराइज हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड मोलर में थोड़ा सा मतलब कि इसमें कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि 17 से 21 साल के बीच में निकलता है ये वाला, ठीक है। तो कभी कभी 20 साल में भी आ सकता है, और कभी कभी 30 साल या 17 से 30 साल के बीच में भी आएगा, ओके। तो अब हम देखेंगे कि डेंटल फार्मूला क्या होता है, दंत सूत्र क्या होता है, बहुत पूछता है कि दंत सूत्र बताइए। तो हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं दंत सूत्र, ठीक है, दंत सूत्र देखते हैं, जिसको बोलते हैं डेंटल फार्मूला, जिसको बोलते हैं दंत सूत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं दंत सूत्र, यानी दांतों का सूत्र, चाहे दंत विन्यास बोल देते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं वयस्क मनुष्य, एडल्ट ह्यूमन का देखते हैं, यानी हम वयस्क मनुष्य का देखते हैं। वयस्क मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो जो वयस्क मनुष्य होते हैं ना, उसमें दांतों की संख्या होती है कितनी, 32। तो पहले याद रखना है कि वयस्क मनुष्य में जो दांत होते हैं इनकी संख्या होती है कितनी, 32 होती है। तो वयस्क मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या 32 होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो वयस्क मनुष्य होते हैं इनमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर चारों पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य के अंदर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर चारों पाए जाते हैं। कृंतक, रदनक, अग्र चरोड़क और चरोड़क चारों दांत पाए जाते हैं। तो कृंतक संख्या में कितने पाए जाते हैं, 8, ठीक है। चलो पहले फार्मूला देता हूँ, इसको लिखेंगे 2 1 2 और 3 बटा 2 1 2 1 2 3 गुणे 2 बराबर 32, ओके।
तो वयस्क मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला ये होता है, एंड इसको अगर हम देखते हैं समझते हैं तो दो दो चार, चार गुना के आठ। तो वयस्क मनुष्य के अंदर जो इंसीजर होता है संख्या में कितना होता है, आठ, एक एक दो, दो दो चार। कैनाइन कितना होता है, कैनाइन होता है संख्या में चार, दो दो चार, चार दुना के आठ। तो जो प्री मोलर होता है संख्या में होता है आठ, तीन तीन छः, छः दुना के बारह। तो मोलर संख्या में होता है बारह। तो हमने देखा कि बारह आठ बीस, और बीस आठ अट्ठाईस, अट्ठाईस चार बत्तीस, है ना। तो अब क्या होता है, इन टोटल को जोड़ेंगे तो होता है बत्तीस। इसका मतलब है इंसीजर वयस्क मनुष्य के अंदर देखते हैं तो इंसीजर होता है आठ, कैनाइन होता है चार, प्रीमोलर होता है आठ, और मोलर होता है बत्तीस। एक वयस्क मनुष्य के अंदर टोटल दांत की संख्या कितनी मिलती है, बत्तीस मिलती है। तो हम लोग इसको याद कैसे करते हैं, तो इसको याद करने का तरीका हम लोग सिंपल सा ट्रिक बना लेते हैं। इसको हम बोल देते हैं इक्कीस तेईस, इसको लिख देते हैं इक्कीस तेईस, ठीक है। जो इक्कीस तेईस है, इक्कीस तेईस का मतलब क्या होता है, इक्कीस तेईस का मतलब होता है, ठीक है, इंसीजर दो, कैनाइन एक, प्रीमोलर दो, मोलर तीन। तो ऊपर जितना है उतना नीचे होगा, आगे गुणे दो लिख देंगे तो बत्तीस हमारा आंसर मिल जाएगा। तो एक वयस्क मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला होता है वह होता है इक्कीस तेईस। रियल में तो यह होता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग याद कर रहे हैं इक्कीस तेईस। अब देखते हैं एक छोटा बच्चा होता है, यानी बच्चे का, ठीक है, जो चाइल्ड होता है बच्चे का डेंटल फार्मूला क्या होता है। बच्चा जो चाइल्ड होता है, जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड का जो डेंटल फार्मूला होता है वह क्या होता है। हम जानते हैं जो बच्चे होते हैं, बच्चे के अंदर प्री मोलर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। हमने कहा है बच्चे के अंदर प्री मोलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इंसीजर कितना होता है, दो, कैनाइन होता है एक, प्री मोलर होता है जीरो, मोलर कितना होता है दो, है ना। तो हम फिर क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं दो एक जीरो दो, यहाँ पर लिख देता हूँ गुणे दो बराबर दो दो चार, चार गुना के आठ, एक एक दो, दो गुना के चार, जीरो मतलब कुछ नहीं, दो दो चार, चार गुना के आठ, आठ आठ सोलह, सोलह चार बीस। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है, बीस होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो छोटे बच्चे के अंदर प्री मोलर दांत नहीं पाया जाता है। छोटे बच्चे के अंदर प्री मोलर नहीं पाया जाता है। इसको कैसे याद करते हैं, इसको याद करने का तरीका बना लेते हैं इक्कीस जीरो दो। हमारा ट्रिक क्या है, इक्कीस जीरो दो, बच्चे का जो डेंटल फार्मूला है वह इक्कीस जीरो दो। अब हम देखते हैं कि जो 20 साल का बच्चा होता है, ठीक है, जिसको एडोलेसेंट बोलते हैं, 20 साल के बच्चे में कितने दांत पाए जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि 20 वर्ष के बच्चे में कितना, कितने दांत पाए जाते हैं, कितने दांत पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर कितना है, 28। जो 20 साल का बच्चा होता है उसमें टोटल दांत कितने पाए जाते हैं, टोटल दांत पाए जाते हैं 28, ठीक है। टोटल दांत कितने पाए जाते हैं, 28 दांत पाए जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा दांत है जो नहीं पाया जाता है, 20 साल के बच्चे में कौन सा दांत जो है कि नहीं पाया जाता है। तो 20 साल का जो बच्चा होता है ना, इसमें सभी दांत पाए जाते हैं, मोलर भी पाया जाता है, लेकिन मोलर में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है इसको देखते हैं, ठीक है। जो 20 साल का बच्चा होता है इसके अंदर जो डेंटल फार्मूला होते हैं आई सी टी एम और
यम, ICPM और यम। इंसीजर कितना हो गया? दो। कैनाइन कितना हो गया? एक। प्री मोलर हो गया? दो। मोलर हो गया? तीन। अब फिर क्या करते हैं? दो एक दो दो, सॉरी यहाँ पर दो एक दो दो और दो एक दो दो गुणे कर देते हैं दो। अब क्या करते हैं? दो दो चार, चार दूना के आठ, यह कितना मिल गया? आठ। एक के दो, दो दूना के चार, ये कितना मिल गया? चार। दो दो चार, चार दूना के आठ, ये कितना है? दो दो चार, चार दूना के आठ, आठ आठ सोलह, आठ तरीके चौबीस और चौबीस चार अट्ठाईस। तो 20 वर्ष के बच्चे में जो दांत होते हैं वो दांतों की संख्या कितनी होती है? 28। तो सवाल यह है कि 20 साल के बच्चे में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो हम यह जो है ना, यह जो दांत है, आठ दांत है, यानी फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर, ध्यान से सुनिए, 20 वर्ष के बच्चे में फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर दोनों पाए जाते हैं, जबकि थर्ड मोलर, जबकि थर्ड मोलर, ठीक है, 20 वर्ष के बच्चे में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। जो 20 वर्ष के बच्चे होते हैं उसमें थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन, अपवाद है, जो थर्ड मोलर होता है 17 से 31 साल के बीच में निकल जाता है। तो कभी कभी जो होता है ना, क्योंकि यह सवाल जो है कि 20 वर्ष के बच्चे वाला जो है, यह PMT 2015 में इसको पूछा था एडोलेसेंट बॉय के अंदर कि कौन डेंटल फार्मूला क्या था। तो डेंटल फार्मूला यह था और टोटल दांत कितने थे? 28 थे, ठीक है। एडोलेसेंट बॉय का मतलब होता है 20 साल का बच्चा, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, देखते हैं आप दांतों को समझ लिए, जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनका डेंटल फार्मूला क्या था? 21-23 था, बच्चों का 21-02 था, और 20 साल के बच्चों का क्या था? 21-22 था, ठीक ना। अब देखते हैं, एक बहुत बढ़िया टर्म है, वह है विजडम टीथ कहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया टर्म है, उसका नाम है विजडम टीथ, जिसको बोलते हैं हम लोग अक्ल दाढ़, अक्ल दाढ़ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्डम टीथ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्डम टीथ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्डम टीथ, ठीक है। अक्ल दाढ़ क्या होता है? विस्डम टीथ जो होता है ना, विस्डम टीथ जो होता है थर्ड मोलर, जो थर्ड मोलर होता है, जो तृतीय चौड़क होता है, ठीक है, मोलर मतलब चौड़क, जो तृतीय मोलर होता है वही जो होता है विस्डम टीथ होता है। और दूसरी बात क्या है, यह अवशेषी होता है, अवशेषी होता है, यानी वेस्टिजियल आर्गन होता है, इसका हमारे बॉडी में कोई मतलब नहीं है। यह अवशेषी होता है, इसका शरीर में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो थर्ड मोलर जो होते हैं अवशोषी होते हैं, जिसको बोलते हैं वेस्टिजियल बोलते हैं, ठीक है, मैं वेस्टिजियल बोल रहा हूँ, अवशेषी होते हैं, वेस्टिजियल इसको बोलते हैं। और क्या यह क्या होता है? तो शरीर में कोई काम नहीं है। तो कब निकलता है यह? जो निकलने का टाइम पीरियड है ना, 17 से लेकर 30 वर्ष के बीच, 17 से लेकर 30 वर्ष के बीच में यह दांत निकलता है। तो अक्ल दाढ़ जो होता है, अक्ल दाढ़, ठीक है, जो अक्ल दाढ़ होता है, अक्ल दाढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्डम टीथ बोलते हैं। और विस्डम टीथ जो होता है थर्ड मोलर जो होता है, विस्डम टीथ होता है, अक्ल दाढ़ होता है, अवशेषी होता है, कोई फंक्शन नहीं होता है। अवशेषी को बोल देते हैं कि नॉन फंक्शनल, ठीक ना, इसका कोई फंक्शन नहीं है, नॉन फंक्शनल होते हैं। अंग्रेजी में वेस्टिजियल बोलते हैं, ठीक है, वेस्टिजियल बोल देते हैं, नॉन फंक्शनल बोल दो, मीन्स एक ही है। यह क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है, कोई इसका फंक्शन नहीं होता है, और 17 से लेकर 30 वर्ष के बीच में दांत निकलता है। अब हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांतों के संरचना के बारे में समझेंगे कि दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना है, काम चलाऊ फिगर है, बहुत अच्छा फिगर नहीं है। तो देखते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन को क्राउन बोलते हैं, नीचे वाला का नेक बोलते हैं, नीचे वाला का रूट बोलते हैं, क्राउन नेक और रूट हो गया। ये हमारा इनेमल होता है, डेंटाइन का पल्प कैविटी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो हमारा इनेमल है। इनेमल क्या होता है? इनेमल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है, ठीक ना,
अगर हमारे शरीर का जो सबसे कठोर भाग है, ठीक है, सबसे कठोर भाग है कौन सा है, सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर भाग की अगर बात किया जाए तो सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनेमल होता है। जो हमारे दांत पर सफेद कलर का जो कवच दिखाई देता है, जो सफेद रंग का जो कवर है दांत को ढका हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग इनेमल करते हैं। और इनेमल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है, शरीर के सबसे कठोर अंग का नाम अगर पूछे, सबसे कठोर भाग का नाम पूछता है, वह क्या होता है, इनेमल होता है। ठीक है, शरीर के सबसे कठोर भाग का क्या नाम होता है, इनेमल होता है। उसके जो इनेमल होता है क्राउन पोर्शन, क्राउन मतलब जो ढका हुआ पोर्शन होता है, क्राउन होता है, उसके बीच में नेक होता है, सबसे नीचे रूट होता है जिसमें मसूड़ा वगैरह जो उसमें नस वगैरह पाई जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो दांत होते हैं, ठीक है, जो दांत होते हैं कब निकलते हैं बच्चों में, है ना। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि जो दांत होते हैं, ठीक है, फर्स्ट टीथ, प्रथम बार जो दांत निकलता है कब निकलता है, यहाँ देखते हैं, देखते हैं कि प्रथम बार दांत, प्रथम बार दांत 6 माह के बच्चों में निकलता है। ठीक है, 6 माह के बच्चों में निकलता है, ठीक ना। तो जो प्रथम बार दांत निकलता है, फर्स्ट टीथ निकलता है, जो फर्स्ट टाइम टीथ एराइज होता है, वह 6 माह के बच्चों में निकलता है। तो कौन सा दांत निकलता है, वो जो दांत निकलता है वो होता है इंसीजर। इंसीजर होता है, बोले तो कृंतक होता है, है ना। जो दांत निकलता है कौन सा दांत होता है, कृंतक दांत होता है। ठीक है, 6 माह के बच्चे में जो दांत निकलता है वो कृंतक दांत होते हैं, और यही पहली बार दांत एराइज होते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।